तो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस दिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा की अवमानना का प्रस्ताव है। राहुल गांधी ने बिना इजाजत सदन के अंदर मौन रखा। राहुल गांधी ने दूसरे सांसदों को भी मौन रखने के लिए कहा। सदन के अंदर मौन रखने का अधिकार सिर्फ स्पीकर का होता है। स्पीकर तय करता है कि लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए। बीजेपी के सांसदों ने इसी को लेकर अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राहुल गांधी जिन्हें ना तो सदन की मर्यादाओं का ख्याल है, ना ही संसद के नियम कायदों की कोई फिक्र, शायद यही वजह है किसानों के नाम पर वो संसद में ही पॉलिटिकल स्टंट करने लगे। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। संसद में बिना स्पीकर की अनुमति के राहुल गांधी ने मौन तो रखवा दिया, लेकिन अब ये मौन राहुल गांधी को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी सांसद पीपी चौधरी, संजय जायसवाल और राकेश सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। ये पहली बार हुआ कि एक संसद सदस्य हमें आदेश देता है कि आप मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाइए और कुछ संसद सदस्य खड़े भी हो जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार एक सांसद राहुल गांधी ने खड़ा होने का आदेश दिया और जो भी सांसद खड़े हुए उन सभी पर मेरा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। उन्होंने हम इस संसद की गरिमा का अपमान किया, लोकसभा का अपमान किया है, इसलिए इन सबों पर कृपया कर आप विशेषाधिकार समिति को भेजकर उन सभी पर कार्रवाई करने के मेरे अनुरोध को आप जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा के बड़े सवाल, सबसे बड़ा सवाल, राहुल के मौन ने तोड़ी क्या संसद की मर्यादा? क्या राहुल गांधी ने सदन की अवमानना की? राहुल के लिए संसद और कांग्रेस कार्यालय में क्या कोई फर्क नहीं है? 4 बार के सांसद को नियमों की जानकारी नहीं है क्या? राहुल गांधी को ये मौन क्या महंगा पड़ने वाला है? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक। तहसीन पूनावाला आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, शुरुआत में आपसे कर रही हूं, संसद की एक गरिमा होती है, उसके नियम होते हैं। सबसे पुरानी पार्टी, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी, 4 बार सांसद रह चुके हैं, क्या संसद के जो नियम हैं उनकी जानकारी उनको नहीं है? संक्षिप्त में अपनी बात कर दूंगा, इंटरप्ट मत करना। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है मुझे काउंटर करने के लिए। बीजेपी के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी जी इस मुल्क के किसानों के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने मौन व्रत रखा इस मुल्क के किसानों के लिए जिन्होंने जो शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोए, लेकिन रोए गुलाम नबी आज़ाद के लिए। 200 से अधिक किसान उनके दरवाजे पर शहीद हुए, उनके लिए एक आंसू नहीं निकला, ना ही उन 130 माइग्रेंट्स के लिए जिनको 4 घंटे में मुल्क को लॉकडाउन करते वे लोग मर गए, ना ही उन 100 लोगों के लिए जो नोटबंदी में शहीद हुए। ये तो कहा था प्रधानमंत्री 50 दिन के बाद मिला, लेकिन प्रधानमंत्री मिले नहीं। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, दिनकर की एक कविता है, उसके 2 लाइन कहते, अपनी बात समाप्त करूँगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इस सरकार का विवेक मर चुका है। इसलिए मैं खत्म करता हूँ ये कहते दोबारा से, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी को ऑल द बेस्ट, लाइए आप नोटिस, आपसे नहीं डरते। हम सावरकर नहीं है कि आपको सॉरी बोलेंगे, नहीं डरते आपसे, जो करना है करते दिखाइए, नहीं डरते आपसे। तहसीन पूनावाला, सदन का अपमान करके आप सम्मान दे रहे हैं क्या किसानों को?
एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। मरहूम अरुण जेटली साहब और मरहूम सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि सदन को डिसरप्ट करना ये लोकतांत्रिक है। यहाँ पे किसी सदन को डिसरप्ट नहीं किया, शहीदों के लिए मौन रखा गया। नियम होते उन्होंने हैं, कहा डिस्टर्ब करना ठीक है, तब आप वाह-वाह करते हैं, वे बीजेपी है काउंटर करने के लिए। ये जो सीमा है वहां पर प्रधानमंत्री भी जो होते हैं वो देश के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन संसद में जो अधिकार दिए गए हैं सांसदों को, प्रधानमंत्री को, उनमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है वहां पर, और जवाबदेही होती है सिर्फ लोगों के प्रति। मैं इसका जवाब दे देता हूं, ठीक है मैं इसका जवाब देता हूं जो मैं पहले जवाब दिया। लोकसभा के जो सभापति थे या अध्यक्ष थे उस वक्त के, मीरा कुमार जी, या उस वक्त के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे हमीद अंसारी जी, क्या उन्होंने ये अधिकार दिया था सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को कि आप हाउस को डिस्टर्ब करें? लेकिन अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने कहा हम डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि ये लोकतांत्रिक है। उन्होंने डिस्टर्ब किया, पूरा सेशन खत्म किया, विंटर सेशन, पूरा सेशन हाउस चलने नहीं दिया। उस वक्त आप कहते थे ये लोकतांत्रिक है, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसानों को श्रद्धांजलि देता है, आप कहते हैं कि संसद का और लोगों का अपमान हुआ। किसान क्या पाकिस्तानी है, नक्सली है? कौन है ये किसान? हमारे बीच के लोग हैं। ये 5 लाख का सूट पहनने वाला प्रधानमंत्री, इनके परिवार में से कोई किसान था कभी? क्या अमित शाह जी के परिवार में से कोई किसान है? आलोक, ये आलोक हमारे किसान हैं। ठीक है तहसीन पूनावाला, आपने अपनी बात रख दी। आलोक मेहता जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है और सदन की कार्यवाही को उन्होंने बहुत बार देखा है अपने सामने होते हुए। आलोक मेहता जी, हमने बहुत से ऐसे विशेषाधिकार हनन के नोटिस देखे हैं, बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी आए हैं, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी आए हैं, सब हमने देखा है, लेकिन सदन की कार्यवाही में जो सांसद है वो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में आ जाए, ये क्या पहले कभी हुआ है? देखिए विमानसा जी, पहली बात तो आप और हम या देश में कोई भी व्यक्ति इससे इनकार नहीं करता कि किसानों की जिस तरह से जो आंदोलन है उनके प्रति सहानुभूति हो, उनके लिए श्रद्धांजलि, जो ऐसे जिनकी मृत्यु हो गई इस कारण से, जबकि उनको कौन ले जाया गया, दोषी तो वो भी लोग हैं जो उनको ले जा करके वहाँ खड़ा करके रखा है, तो चलिए अभी उस पर नहीं जाते। और श्रद्धांजलि देने के लिए निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाया, मैं विमानसा जी 1972 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, रिपोर्टिंग करता रहा हूं, ऐसा अवसर मैंने नहीं देखा कि कोई सदस्य, देखिए इंदिरा गांधी से लेकर के और आज मोदी जी तक सारे प्रधानमंत्री रहे, गुरदयाल सिंह ढिल्लो से लेकर के आज हमारे बिरला जी हैं, तो ऐसा मेरा मानना है कि हमेशा, और अभी जैसे उन्होंने जिक्र किया अंसारी जी सभापति राज्यसभा के रहे, यहां पर भी हमारे उपसभापति माने जाते राज्यसभा में, उनका जो अधिकार है उस तरह के अधिकार किसी सांसद को नहीं है। विशेषाधिकार का हनन केवल सभापति का भी अवमानना है, संसद की अवमानना है, इसलिए श्रद्धांजलि देने के लिए दो लाइन का पत्र लिखकर या रिक्वेस्ट करके किया जाता तो देखिए ये मुद्दा नहीं उठता। कल से आप ये बताइए विमानसा जी, तहसीम भाई हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं सब लोग, ये राहुल गांधी जी को ये सलाह क्यों नहीं देते कि भाई आप ऐसी परंपरा निभाइए, हो सकता कल फिर वो अध्यक्ष हो जाएं, पहले अध्यक्ष रहे फिर चले गए फिर आ गए फिर चले गए, तो इतना कहें कि कल कोई सांसद उठ के खड़ा होगा कि देखिए अब यहाँ पर हमें ये करना है और सबको खड़ा कर दीजिए, बेंच पे खड़ा हो जाएं, का जिक्र किया, कोई कहेगा नहीं सभापति के जाकर के बैठ जाएं। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ भी तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया था, आपको याद होगा, चरण सिंह जी लाए थे उनके खिलाफ और सदन से निष्कासित कर दिया गया था। याद ही नहीं, मैं तो सदन में था उनकी, ये नहीं, ये जी यही नहीं बल्कि ये हुआ था कि उनको तो एक समय में सदन से ही निष्कासित कर दिया गया था, उनकी सदस्यता को ऊपर आ गया था, इसलिए हम उस सीमा पर नहीं जाते जैसा उन्होंने कहा कि ऐसा मुद्दा है जो चाहे कर लीजिए। एक लाइन और मीमांसा जी कहूँगा, चर्चिल ने जब वो बिल्कुल बुरी तरह से पिट गया था वहाँ का प्रधानमंत्री और हटा दिया गया था, उसके बाद उसने कहा था कि देखिए सत्ता से हटाने के लिए किसी भी सीमा पर कुछ भी करना चाहे करना चाहिए, तो क्योंकि दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी चर्चिल को पढ़ के या नेटफ्लिक्स पर उनके फिल्म देख करके ये सोचते हैं कि किसी भी सीमा पर ऊपर खड़े हो जाइए, मंच पे खड़े हो जाइए, गाली दे दीजिए, सेना के ऊपर विश्वास मत करिए, चीन का कब्जा हो गया भारत पर वो बता दीजिए, नागरिकता खत्म हो जाएगी, किसानों की सारी जमीन चली जाएगी, दो उद्योगपति सारे अनाज खरीद लेंगे, लोग भूखे मरने लगेंगे, इस तरह का मुझे इतना दुख होता है जी। कि इतना विशेषाधिकार का मामला तो है ही, पूरी संसद और पूरी देश को गुमराह करने का मामला चलना चाहिए किसी भी नेता पर, वो करे बीजेपी का करे किसी पार्टी का करे। आप एक लाइन,
इससे भी ज्यादा एक और सांसद हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं बोला पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जी। इस तरह के राहुल गांधी से प्रेरणा लेके तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ने भी इतना बड़ा अपमान किया है देश की अदालत का, लोकसभा का और देश की संसद का और जनता का। बात आप कह रहे हैं लोकतंत्र की मर्यादा की जो सीमा है उनको जब लांघना शुरू कर देते हैं जब देखते हैं कि इस तरह के सांसद जो है व्यवहार कर रहे हैं सदन में, और इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ है। जफर इस्लाम साहब, ये मौन क्या महंगा पड़ने वाला है? देखिए, जब किसी को बिना मेहनत के बिना परिश्रम के कुछ मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं समझते। राहुल गांधी जी परिवार के जिस परिवार से आते हैं उनको सब कुछ जो है सोने के चम्मच से मिलता है, इसलिए उनको शायद इसकी अहमियत नहीं मालूम है। और उसका वो उसकी जो जो सदन की जो मर्यादा है उस मर्यादा को नहीं समझ पाए हैं। देखिए, सदन में रह के सदन के मेंबर होके और अगर आप देखें तो ऐसा लगता है अखाड़ा में आए हैं आप। कोई भी पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं देखिएगा जिनके पोशाक से लिबास से ऐसा लगे कि अखाड़ा में आए हैं, ऐसा कोई पार्लियामेंटेरियन देखिए। थोड़ी मर्यादा होती है, हर चीज की मर्यादा होती है। आप जब जिम में जाते हैं तो जिम के ड्रेस पहनते हैं, जब आप जाते हैं पार्लियामेंट में तो वहां भी एक मर्यादा होती है। लेकिन उन सब मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जिस तरह के संसदीय संसद में जिस तरह की परंपरा रहती है उसका उल्लंघन करते हुए ये सारा अधिकार जो है वो स्पीकर को है। स्पीकर नहीं बोलता है, देखिये स्पीकर ही ऐसा होता है जो कि शायद सदन में कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसको कंडक्ट करता है, उसको अधिकार नहीं है। इसलिए यह अधिकार सिर्फ स्पीकर का है कि कॉन्डक्ट कैसे किया जाए, यह अधिकार उसको है। स्पीकर तो स्पीच देता नहीं है पार्लियामेंट में, वो तो कभी नहीं देता, उसको सिर्फ यही अधिकार है कि कैसे कॉन्डक्ट किया जाए। अगर उस अधिकार का भी हनन अगर ये कर रहे हैं, मतलब संसद के जो है वो कहीं ना कहीं इंसल्ट किया, संसद के जो जो प्रोटोकॉल उसको इंसल्ट किया है। और मुझे लगता है इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और इनको महंगा जरूर पड़ेगा। आप किसी दुनिया के किसी पार्लियामेंट में ऐसे लिबास पहन के आते हुए कुछ नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है कि थोड़ी सिविलिटी तो रहनी चाहिए। और मुझे सिविलिटी जो है वो हमें इन तस्वीरों में नहीं दिखाई देती। तहसीन पूनावाला जब कभी आंखों से इशारा करते हैं, कभी हाथ से इशारा करते हैं, और फिर एक बार गलती हो सकती है और गलती हुई है तो फिर माफी भी मांगनी चाहिए। फिर क्या इस बात का एहसास उन्हें है कि उन्होंने सदन का अपमान किया है, लोकसभा अध्यक्ष का अपमान किया है? आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि किसानों के प्रति सबको सहानुभूति है जिनकी मौत हुई है, लेकिन तरीका अलग हो सकता था जो आलोक मेहता जी बता रहे थे, फिर उस तरीके को क्यों नहीं आजमाया गया? माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जफर भाई ने ये बताया कि राहुल गांधी की जो पोशाक थे उस दिन वो पहने थे एक शर्ट और पैंट, उसमें भी उनको लगा कि वो सांस्कृतिक नहीं थे या वो पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं थे। शायद बीजेपी की ऐसी आज हालत हो चुकी है कि जो डिक्टेटर लोग अपने ही नाम के सूट पहनते हैं, जैसे इजिप्ट के प्रधानमंत्री उस वक्त के प्रेसिडेंट पहनते थे और हाल में हमारे लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहना था मोदी, शायद वो उनको सांस्कृतिक लगते होंगे। लेकिन शर्ट और पैंट पहनना अगर पार्लियामेंट में नहीं पहनना चाहिए तो मुझे नहीं पता क्या पहनना चाहिए। नहीं तहसीन, मैं तो आंखों के इशारे और हाथ के इशारे की बात कर रही हूं। उन्होंने पॉइंट कहा ना, ये ड्रेस पर कोई नहीं हो रही पॉइंट पे, मैं अब इस पॉइंट पे आता हूं, आपके पॉइंट पे, अपने पॉइंट, मुख्य मुद्दे पर आइए। मैंने नहीं कहा ये सदन का अपमान हुआ या नहीं हुआ, गलती हुई कि नहीं हुई, ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बहुत सिंपल है जी, गलती हुई कि नहीं हुई, माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, गलती हो जाती है, किसी से हो जाती है, में क्या गलत था? आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब से ये नहीं पूछा कि शर्ट और पैंट में क्या गलत था। शायद आप शायद पसंद होगा कि ठीक है, वो आपकी मर्जी है, मैं उसको नहीं पूछूंगा। मैं इस बात पर आता हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना तहसीन, वक्त बहुत कम है, देखिए मुझे वाइंड अप नहीं करना। अब मैं इस बात पे आता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे बहुत गर्व है, फख्र है राहुल गांधी पर कि उन्होंने उन 200 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी पार्लियामेंट के अंदर। दोबारा करना श्रद्धांजलि देने के तरीके पर सवाल उठ रहा है, नियमों का सवाल उठाया जा रहा है, उसको प्रधानमंत्री ट्रैक से नीचे उतर रहे हैं। और मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं, सदन का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, नियमों का पालन किया या नहीं किया, इसका जवाब दीजिए ना। श्रद्धांजलि कैसे, किसी को कोई एतराज नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप इंटरप्ट कहाँ होना चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए, सवाल उसको लेकर हो रहा है, वो कर सकते ठीक है। पार्लियामेंट
पार्लियामेंट का अपमान तब होता है जब देश के गृह मंत्री, वजीर, ढाकला, होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि फारूक अब्दुल्ला अरेस्टेड ने उनके कान पत्ती पे बंदूक रखकर में लाओ, ये शब्द है होम मिनिस्टर के, तब पार्लियामेंट का अपमान होता है। पार्लियामेंट का अपमान तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि न्यूज चैनल पे। लेकिन राहुल गांधी ने जो किया वो ठीक था नहीं था उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए। और ये गलती पहले भी हो चुकी है। बात पर मुझे फक्र है। ये बेबुनियाद आरोप लगा देना, सावरकर है माफी मांगेंगे, सावरकर है के माफी मांगेंगे, ठीक है मैं बस वक्त सावरकर है के माफी मांगेंगे, काहे मांगे माफी, क्या व्यवहार होना चाहिए? अब ये सांसदों को ये जो सीमा है इसका उल्लंघन बार-बार हो रहा है, दोबारा करेंगे, अब इस पर फुल स्टॉप करना चाहिए। आलोक मेहता जी की सुन लीजिए, दोबारा करेंगे, मेरे पास वक्त नहीं, मैंने बहुत वक्त दिया आपको। आलोक मेहता जी प्लीज क्लोजिंग कमेंट। दोबारा करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। रोक सको तो रोक लो, ये देखिए ये तो खुलकर आप तो मतलब खुलेआम ये कह रहे करते रहेंगे, अभी भी उस बात के लिए कोई वो नहीं हो रहा कि गलती हो गई, उस बात का भी एहसास नहीं है। आलोक मेहता जी जल्दी से अपनी बात। बेहतर यही होगा कि वो जी मीमांसा जी विशेषाधिकार समिति को मामला जाने का प्रस्ताव अभी आ रहा है संसद में, और मेरा ऐसा मानना है कि समिति सर्वोच्च होती है और उसके बाद सभापति भी, वैसे मैं अभी भी मानता हूँ सभापति चाहे उनके पास ये अधिकार है कि हमें आपको तहसीम भाई को किसी को भी अभी जाकर के जेल भेजने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन वो उसका अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनका भी अपमान हुआ है। तो समिति यदि करेगी उसके बाद अध्यक्ष के पास अधिकार है कि वो जेल तक भेज सकता है। संसद की अवमानना, सभापति की अवमानना पर लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति किसी भी व्यक्ति को एक सीमा तक दंडित कर सकते हैं, और ये विचार होगा विशेषाधिकार समिति में। ठीक है जल्दी से तहसीब पूनावाला, जेल जाने के लिए फिर तैयार हैं राहुल गांधी? आलोक भाई कान पर, अरे जिधर भेजना है बोले, इनसे थोड़ी डरते ना, सॉरी का लव लेटर लिखेंगे, कान पट्टी पे बंदूक, ये अपमान नहीं था संसद का? इस पे बात कीजिए कि डर रहे हो आप लोग इस पे बात करने के? अमित शाह जी ने कहा हाउस में कान पट्टी पे बंदूक लगा के लाओ, ये कहा या नहीं कहा शब्दों पे? क्यों डरते हो आप लोग अमित शाह जी से? कहो के गलत था, कहो के गलत था, इतनी हिम्मत भी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है इस देश में, बताओ ये गलत का तो मजाक है, इस तरह से आप उड़ा रहे हैं ना, क्या कर लेंगे? सदन का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं, एक बात तो बोलिए अमित शाह जी गलत कर रहे हैं, क्यों डरते हो? वहां पर लोकसभा अध्यक्ष की कार्यवाही जो है उसकी बागडोर आप जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि हम तो करते रहेंगे। चलिए ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अब ये तय करेंगे कि आगे इस मामले में क्या होना है, उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।